हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं एग्जाम रूम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने दो ही क्लास में नंबर सिस्टम का सभी क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से पूरा कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे करना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमेशा आप एक या दो देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से या फिर बहुत अच्छी तरह से किस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी दे सकता है, जैसे आपका हो गया 1+2+3+4+5+... ऐसे अगर दे दिया, +100 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से बना सकते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहला जो संख्या दिया है, इसमें पहला संख्या क्या है, हमारा पहला संख्या है 1। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, और अंतिम संख्या क्या है, 100 है, तो क्या करेंगे, +100 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे हम कि 1 से 100 तक के बीच कितना संख्याएँ आती है। हमें पहले ये जानना है कि 1 से 100 तक के बीच कितना संख्या आती है, वो आती है 100 संख्याएँ आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए 1+100 कर देंगे, कितना हुआ, 101 डिवाइड बाई 2 × 100। अब कीजिए इसको, 2 50 में कट गया, अब इसमें कितना हो जाएगा, 5050, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार से पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि 1 से 60 तक की संख्याओं का योग योग कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहला संख्या क्या है, 1 है, तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, प्लस अंतिम संख्या क्या है, 60 है, 60 लिख देंगे, तो हर बार डिवाइड में किससे करेंगे, 2 से करेंगे। अब इंटू क्या करेंगे, 1 से 60 के बीच कितना संख्या आती है, 60 संख्या आती है, तो क्या करेंगे, यहाँ 60 से मल्टीपल कर देंगे। अब इसको कीजिए, 1+60 क्या हो जाएगा, 61 डिवाइड बाय 2 × 60, तो क्या हो जाएगा, 230। अब कीजिए इसको, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया गया है कि 1 से 60 तक आपको क्या निकालना है, सभी सम संख्या निकालना है। ठीक है, सम संख्या का योगफल आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, 1 से 60 तक, तो क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, 2+4+6+... करके क्या करेंगे, 60 लिख देंगे। ठीक है, हम 2 से क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि हमारा क्या है, 2 जो है पहला सम संख्या होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे ये हमारा पहला सम संख्या हो गया, इसलिए हम इसे 2 से स्टार्टिंग किए। अब क्या करना है, हम क्या आपको बोले थे कि पहले क्या करेंगे, पहला संख्या, फिर क्या करेंगे, जोड़ दूसरा संख्या, डिवाइड बाय 2 करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2+ पहला संख्या 2 था, अब अंतिम संख्या क्या है, 60 है, तो यहाँ 60 कर देंगे, हो गया, फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अब इंटू देखेंगे, इंटू में क्या लिखना था, अब इसमें क्या लिखना है कि टोटल संख्या आपको लिखना है कि कुल कितना संख्या होगा, क्योंकि हम क्या निकालना है, हमें सम संख्या निकालना है। हम ये जानते हैं कि टोटल 60 संख्या है। ठीक है, इस 60 संख्या में क्या होगा, आपका 30 जो है विषम संख्या होगा, और 30 क्या होगा, आपका सम संख्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको हमें सम संख्या निकालना बोला था, तो हम क्या करेंगे, 30 हमारा क्या होगा, सम संख्या हो जाएगा, तो हम यहीं पे 30 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल सम संख्या कितना हो जाएगा, 30 ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसको, 2 को 60 से जोड़ करेंगे, कितना होगा, 62 डिवाइड बाय 2 × 30, इसको गुणा कीजिए या फिर डिवाइड कीजिए, हो गया।
अब इसको गुना करने से कितना हो जाएगा, 31 इंटू 30 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से एक क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया 2 + 4, ये रहा हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 + 4 + 6 + 8 + ……+80, हमें इनों इन सभी का क्या करना है, इन सभी का हमें योगफल निकालना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये पहला संख्या क्या है, 2 है, और अंतिम संख्या क्या है, 80 है। तो क्या करेंगे हम, 2 + 80, अब क्या करेंगे, ÷2। अब मल्टीपल किससे करेंगे, मल्टीपल हम करेंगे कि जितना संख्या होगा उतना से हम इसे क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो आप बताइए टोटल कितना संख्या है, 80 संख्या है। इस 80 संख्या में क्या हो जाएगा आपका, 40 संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, और 40 संख्या क्या हो जाएगा आपका, सम संख्या होगा। क्योंकि हम पहले से देख पा रहे हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जितना भी संख्या है वो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, या 8 हो गया, ये क्या है, हमारा सम संख्या है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 80 में कितना सम संख्या हो जाएगा, 40 सम संख्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 40 से इसमें गुना कर देंगे। अब इसको कीजिए, 2 + 80 कितना होता है, 82 ÷ 2 × 40 कितना हो जाएगा, 41 × 40 कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कुछ देर पहले हम क्या देखें कि सम संख्याओं का योग किस प्रकार से हो रहा था, अब हम क्या देखेंगे कि विषम संख्याओं का योग किस प्रकार से निकाला जा सकता है। दोनों सेम ही है, बस इसमें क्या फ़र्क है, अब अभी देखिए, चूँकि इसमें क्या पूछा गया है, सम संख्याओं का योग किसके बीच, 1 से 60 के बीच। हम जानते हैं कि 1 क्या है, हमारा विषम संख्या है, और क्या क्या विषम संख्या हो सकता है, 3 विषम संख्या है, और क्या हो सकता है, 5 विषम संख्या है। वैसे करते करते हमें 60 तक जाना है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या 60 जो है वो सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। हम जानते हैं कि 60 क्या है, सम संख्या है, लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें विषम संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60 से एक पहले क्या होता है, 59, बस 59 तक हमें क्या करना है, लिखना है। अब इसमें देखिए क्या लिखा गया है, 60 लिखा गया है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, 60 लिख दिया हम इसमें, तो 60 में क्या होता है, आपका आधा जो है क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा, और आधा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो गया। किस प्रकार से, और आपको पता है ना, देखिए 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जाता रहता है, क्या होगा, ऐसे तक 60 होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, एक आपका क्या हो गया, ओड नंबर हो गया, विषम संख्या, 2 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो गया, सम संख्या। उसी प्रकार 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 1 से 60 तक बोला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आधा क्या हो जाएगा हमारा, जो 30 नंबर हो जाएगा वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा सम संख्या रहेगा, और आधा क्या रहेगा, आपका विषम संख्या रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अब मैंने क्या बोला था आपको पहले, कि पहले हम क्या करेंगे, जो पहला संख्या क्या है, पहला संख्या आपका 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, प्लस अंतिम संख्या क्या है, 59 है, तो क्या करेंगे, 59 लिख देंगे, हो गया। अब डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब क्या है, 1 से 60 तक के बीच कितने विषम संख्या हो सकते हैं, अब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, क्या बताया कि 30 संख्या क्या होगा, आपका सम संख्या होगा, और 30 संख्या क्या हो जाएगा, आपका विषम संख्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 30 यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे 1 से 60 के बीच हमारे पास क्या होगा, 30 ही जो है विषम संख्याएं होंगे। तो अब इसको जोड़िए, 59 + 1 क्या हो जाएगा, 60 ÷ 2 × 30। इसको डिवाइड करते हैं, 30 × 30 कितना हो जाएगा, 900, ये हमारा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि 21 + 22 + 23 ऐसे करके आपको कितना तक करना है, 75 तक का योगफल आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या कर रहे थे, पहले हम क्या करते थे, 1 से शुरू हो रहा था नंबर, और कोई भी संख्या तक जाकर उसका योगफल निकालना था। लेकिन अब क्या था, अब क्या करना है, आपको 20 से नंबर दे दिया गया है, इसमें क्या दिया है, 21, 22, 23 इस प्रकार से आपको नंबर दे दिया गया है। ठीक है, आपको कहाँ तक नंबर तक दिया है, 75 तक आपको निकालना है, इसका जो है एडिशन करना है, और इसमें कितना प्राप्त होगा हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले, इसका जो हम जिस प्रकार से पहले किया जा रहा था उसी प्रकार से ही करेंगे। हम क्या करेंगे, पहला संख्या क्या हो गया हमारा, 21, हम क्या करेंगे, 21 लिख देंगे, प्लस अंतिम संख्या क्या है, 75 लिखेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 से कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अपने हमें ये करना है कि 21 से 75 तक कितनी संख्याएं हैं, हमें वो ज्ञात करके इस जगह में लिखना है। अब देखिए एक बात, अगर हम
अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि 1 से 75 तक 75 तक कितनी संख्या है, तब हम क्या बोलते हैं 75 है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ आपको पूछा गया है कि 21 से पूछा गया है, ठीक है। इसमें 21 से क्वेश्चन पूछा गया है कि 21 से 75 तक कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे हम, तो 1 से 20 हो गया, उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद 21 से 75 तक दिया गया है, तो 1 से 20 तक हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, 20 संख्या तक हटा देंगे। हटाने से क्या होगा, 75 को हम 20 से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो हम ये जान सकते हैं कि 21 से 75 तक के बीच कितनी संख्याएँ होगी, 55 संख्याएँ होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 55 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे किस प्रकार से, और आप देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 डिवाइड बाई 2 इंटू 55, ठीक है। इसको काटिए कितने में कट रहा है, 2 4 8 1 16, ठीक है। इसको आप गुना करेंगे, 48 इंटू 55। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आप क्या पाइएगा, 2640, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, पूछा जा रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। 3 के प्रथम 10 गुणज, गुणज का मतलब तो आप सभी जानते होंगे क्या होता है हमारा, जानते हैं 3 के प्रथम गुणज क्या होता है, पहला होता है, 3 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 होगा, हुआ कि नहीं, फिर क्या होगा, 9 होगा। उसी तरह से क्या करने के लिए बोला गया है, अंतिम 10 गुणज तक बताए, हमें पूछा गया है। चूँकि हम जानते हैं कि 3 का 10 गुणज कितना हो जाएगा, यानी कि हम 3 गुना 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 30 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 का पहला गुणज, ये दूसरा गुणज, ये तीसरा गुणज, इस प्रकार से जाते रहते, ये क्या हो गया हमारा, 10वां गुणज हो गया। तो 10वां गुणज क्या हो गया, 30 हो गया। तो इन सभी का योग हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले हो रहा तो उसी तरह से होगा, पहला संख्या क्या है, 3 है, तो 3 लिख देंगे यहाँ। अंतिम अक्षर क्या है, संख्या 30 है, 30 लिख देंगे। अब डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 कर देंगे, इंटू कितनी संख्या निकालना है आपको, 10 गुणज निकालना है, यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब पहाड़ा भी अगर जानते होंगे 3 से 30 तक कितना आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है। 3 1 पहला संख्या ये हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, तीसरा संख्या हो गया, इस प्रकार जाते जाते अगर 30 तक गिनिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 संख्या हो जाएगा। क्योंकि हमें ये क्या बताया गया, 10 गुणज के बारे में बताया गया है। तो हमें संख्या हमें पहले दे दिया गया है कि ये जो जो संख्या होगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 10 लिख देंगे। अब करेंगे इसको, 3 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 33 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, गुना कर देंगे, क्या आया, 33 इंटू 5, इसके आंसर क्या हो जाएगा, 165 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया है कि 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, ऐसे करके आपको 60 तक का क्या करना है, योग निकालना है, ठीक है। हम इसे क्वेश्चन को देखते ही जान सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, इसमें सम संख्या का योग हो रहा है, जो है इवन संख्याओं का योग हो रहा है। लेकिन एक बात देखिए, इसमें हमारे क्या है, स्टार्टिंग से नंबर नहीं दिया गया है, जैसे कि हम पहले कैसे दिया गया था, पहले 2 से दिया जाता था, सम संख्या से स्टार्टिंग कैसे होता है, 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, इस प्रकार से जाता था ना। लेकिन इसमें क्या किया, इसमें 20 से संख्या दे दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए हम इसे किस प्रकार से निकाल रहे हैं, इसमें पहले जैसे कर रहे थे उसी तरह से ही होगा। इसमें क्या होगा, पहला संख्या क्या हो गया, पहला संख्या हमारा 10 हो गया, अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, 60 है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, +60 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे, इंटू क्या करेंगे, जितनी संख्या इसमें होगी उतना संख्या हम इसमें लिखेंगे। क्योंकि पहले हम पहले आपको क्या बताए थे कि 60 में जो हो गया क्या होता है, 30 इवन नंबर होता है और 30 क्या होता है, ओड नंबर होता है, ठीक है। लेकिन कब, जब यह संख्या कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। अगर कोई सम संख्या अगर पूछा जाएगा तो सम संख्या स्टार्टिंग कब, कहाँ से होता है, 2 से होता है, फिर क्या होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया, कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए 10 से स्टार्टिंग कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपका टोटल सम संख्या कितना होगा, 60 तक, 30 होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 4 6 8 को लिया नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, इन जो 30 जो हो गया इसमें 30 को हम ये 4 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल संख्या कितना है, 30 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, किससे माइनस करेंगे, ये 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या को हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें जो है 2 4 6 8 को इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए हम इसे क्या करें, इसे माइनस कर रहे हैं। तो 30 को 4 से माइनस करने से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि 26 क्या हो गया हमारा, टोटल नंबर ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 26 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, 10 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 70 बाई 2
इंटू 26। इसमें क्या करेंगे, कट जाएंगे, यह हमारा आंसर हो गया। अब चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम इससे कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन करते हैं, देखिए किस तरह से उनको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ……+61 का स्क्वायर का क्या निकालना है, का हमें योग निकालना है। ठीक है, योग कितना होगा इसका, तो इसका जो है इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला है आपका n n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला को आपको याद कर लेना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूला के अनुसार ही हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो n जो हो गया, n क्या हो जाएगा आपका, जो लास्ट का जो संख्या होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम n कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्यूशन किस प्रकार कर रहे हैं, तो इसमें n कितना हो जाएगा, n आपको क्या दिया गया है, 60 दिया गया है, क्योंकि इसमें देखिए लास्ट संख्या क्या है, 60 है, तो n 60 हो गया। तो अब इस फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, n का मान 60 + 1 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब 61 हो जाएगा, अब क्या करेंगे, 2 × n। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 × n, n का मान कितना, 60 था, 60 + 1। ठीक है, डिवाइड बाय 6। अब देखिए यहाँ 60 × 61 × 60 × 2 कितना होगा, 120 + 1 कितना हो जाएगा, 121 डिवाइड बाय 6। अब इसको काटिए, 6 × 60 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, 10 को 61 से कितना हो जाएगा, 610 × 121। ठीक है, अब इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, आप देख लीजिएगा गुना करके, इसका आंसर होगा 73810 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए उसी प्रकार हम कुछ दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब देखिए अगर आपको पूछा जाए कि जितना भी अबाध संख्या हो गया, ठीक है, जिसे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करके आपको क्या करना है, 40 का स्क्वायर तक आपको योगफल निकालना है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसका भी स्क्वायर हो रहा था लेकिन इसमें क्या था, क्रमागत संख्याओं का हो रहा था। ठीक है, इसलिए हम क्या फॉर्मूला लिए, इसका ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अगर आपको क्रमागत संख्याओं का अगर निकालने बोला जाए तो आप ये फॉर्मूला इसका पुट कीजिएगा। लेकिन इसमें अगर आपको कभी भी अगर सम संख्याओं का जोड़ या फिर विषम संख्या का योग अगर करने के लिए बताया जाए, ठीक है, या फिर पूछा जाए, तो आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आपको और एक फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है इस प्रकार है। ठीक है, n n+1 और n+2 डिवाइड बाय 6, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्या था, देखिए इसमें क्रमागत संख्या था। ठीक है, क्रमागत संख्या का योग अगर बताया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, आपको ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। लेकिन अगर आपको सम संख्याओं का योग, सम संख्या का स्क्वायर का योग या फिर विषम संख्याओं का भी अगर योग करने बोलेगा तो आपको ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका n क्या हो जाएगा, जो लास्ट में है देखिए 40 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह क्या बैठाएंगे, 40 बैठा देंगे। अब n क्या हो गया, 40 + 1। ठीक है, अब देखिए n + 2 क्या हो जाएगा, 40 + 2 डिवाइड बाय 6 हो गया। अब देखिए क्या करना है, 40 हो गया, यहाँ पे 40 + 1 क्या हो जाएगा, 41 गुना 40 + 2 कितना हो जाएगा, 42 डिवाइड बाय 6। इसमें देखिए ये कट जा रहा है आराम से, अब क्या हो जाएगा, 40 × 41। ठीक है, × 7। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैलकुलेशन करने से कितना आ रहा है, देखिए जब हम इसका कैलकुलेशन किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 11,480, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको पूछा जाए कि विषम संख्याओं का स्क्वायर का योग कैसे होगा तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए कैसे बनाया जाता है उसको भी देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, देखिए इसमें विषम संख्याओं का स्क्वायर का आपको योग निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला पुट होगा, और फॉर्मूला क्या था, n n+1 और n+2 डिवाइड बाय 6, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अगर आपको क्रमागत संख्याओं का योग करने के लिए बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, इसका वो फॉर्मूला n n+1 और 2n+1 ये था ना, डिवाइड बाय 6, आपको ये फॉर्मूला आपको पुट करना है कब, जब आपको क्रमागत के लिए बताया जाए। ठीक है, या फिर 1 + 2 स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अगर कुछ ऐसे पूछा जाए तभी आप ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कीजिएगा। लेकिन जब आपको विषम संख्या या विषम संख्या का योग पूछा जाए तब क्या कीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो देखिए इसमें n कितना हो गया, 25 है, क्या करेंगे, 25
एन के बाद में क्या लिखेंगे 25 प्लस 1, ठीक है। इसको एन के बाद यहाँ क्या लिखेंगे 25 प्लस 2 डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 25 हो गया इंटू 26 इंटू 27 डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब इसको देखिए 3 2 6 3 9 दो यहाँ 13 से कटता है, तो क्या निकला हमारा 25 इंटू 13 इंटू 9 निकल गया, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास आएगा 2925, इसका ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो हम इसमें क्या किए, स्क्वायर का हम इसमें समझ लिए, ठीक है। जब अगर आपको क्यूब के बारे में अगर क्वेश्चन देगा तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे आपको हो गया जैसे 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब, इस प्रकार की संख्या को हम किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे करके आपको कहाँ तक लिखना है, 20 का क्यूब का योग कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला है एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में बैठाते हैं, इसमें एन क्या हो जाएगा जो लास्ट संख्या है, तो क्या होगा इसमें 20, ठीक है, इसमें 20 हो जाएगा, फिर एन क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब क्या होगा देखिए 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसमें कट जाएगा 2 20, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 210 का होल स्क्वायर। इसको हम जानते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 01 है तो 20 लग जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए अब हम और एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कभी कभी आपको पूछ देता है कि 1 से 20 तक के बीच कितनी आभाज्य संख्याएं हैं, आभाज्य संख्याएं हैं ये पूछ देता है। कभी कभी पूछता है कि 40 से 60 के बीच कितनी आभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 10 के बीच कितनी आभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 के बीच कितनी आभाज्य संख्याएं हैं। तो इसे हम किस तरह से हम कर सकते हैं, कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रिक है, उसे आप याद कीजिए आराम से, आप बता सकते हैं 1 से 100 तक के बीच कितनी आभाज्य संख्या है, उसके बारे में आप जान सकते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नंबर याद करना पड़ेगा, और वो नंबर इस प्रकार से है 442, ठीक है, 232, 232 एक, ठीक है, ये नंबर आप याद रखिए, ठीक है। क्या नंबर है 442, 232, 232 एक, मेरे ख्याल से इजी नंबर है, ठीक है, बस टेलीफोन नंबर याद रख लीजिए ना, आपको सब याद हो जाएगा। क्या करना है 442, 232, 232 एक, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये नंबर है, इसे आपको याद रखना है। इसको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, अब देखिए क्या है, पहले 442, ठीक है, 232, 232 एक, ठीक है। अब देखिए ये जो पहला नंबर जो है जो चाह रहे वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है 1 से 10 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, समझ में आ गया। फिर ये जो नेक्स्ट चार जो है वो क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है 10 से 20 तक कितनी आवाज़ संख्याएं हैं। उसी प्रकार ये 2 क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है 20 से 30 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, और ये 2 क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है 30 से 40 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, ये 3 दर्शाता है आपको 40 से 50 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, ये 2 क्या दर्शाता है 50 से 60 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, और ये 2 क्या दर्शाता है 60 से 70 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, और ये 3 क्या दर्शाता है 70 से 80 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, और ये 2 क्या दर्शाता है 80 से 90 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, और अंतिम में क्या बचा 1, ये क्या दर्शाता है 90 से 100 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, ये दर्शाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये आप पूरी अच्छी तरह से जान गए होंगे। क्या है इसमें, ये जो पहला चार है क्या होगा 1 से 10 के बीच आपको क्या बोलेगा आवाज़ संख्याएं कितनी है। अगर आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि 1 से 10 के बीच आवाज़ संख्या कितनी है, तो आप क्या कीजिएगा डायरेक्टली 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको पूछा जाए कि चलो 1 से 40 के बीच, 1 से 40 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए तो आप क्या नंबर याद रखिएगा 442, 232, 232 एक, ठीक है। तो आपको क्या करना है 1 से 40 के बीच, तो ये क्या था 1 से 10 के बीच, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब हमें यहाँ तक हमें नंबर हमें जोड़ना है। क्या करेंगे आप, देखिए 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा
चार प्लस चार प्लस टू प्लस टू कितना हो गया, चार चार आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह आंसर हो जाएगा। अर्थात क्या हम जान गए कि एक से चालीस के बीच हमारे पास कितनी आवास संख्या है, बारह आवास संख्या है। इंटरेस्टिंग था या नहीं? था ना, एकदम था। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक होमवर्क है, देखिए आप खुद से भी प्रयास कीजिए कि आपको ये खुद से करके कमेंट में लिखना है कि एक से अस्सी तक कितनी आवाज संख्याएं हैं, मुझे भैया कमेंट में लिख करके बताइएगा। ठीक है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या फॉर्मूला, 442 232 232 1। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।